नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्या स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने उदारवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो इस तरह से अब हम आज आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 4 पे, और आज हम लोग फांसीवाद के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं फांसीवाद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो समाजवाद, साम्यवाद के विरोध में हुई थी। जो फांसीवाद है, इसके चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह विचारधारा का विरोधी है और इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। यह कार्य प्रधान आंदोलन है एवं व्यवहारिक है। यह जो है सर्वाधिकारवादी अवधारणा है और राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। यह समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी है, हमने पहले ही बताया। यह रीजन को, तर्क को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, यह इसका विरोधी है। यह महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है, पर्सनालिटी कल्ट, महामानव पूजा। यह लोकतंत्र का विरोधी है, हालांकि आया ये लोकतंत्र के आधार पे ही था। और यह हिंसा एवं युद्ध का समर्थक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि हिटलर का एक स्टेटमेंट है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। तो दोस्तों, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षधर कैसे हो सकता है? यह हिंसा और युद्ध का समर्थक है और यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, जो उदारवाद में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका प्रबल विरोधी है। यह क्रांति विरोधी विचारधारा है। मतलब ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, जो कुछ भी है वो राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए ही सब कुछ करना है। ठीक है, यह व्यक्तिवाद और उदारवाद का विरोधी तो है ही। यह अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है, कि जो भी अर्थव्यवस्था है उस पर जो है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और यह अंतर्राष्ट्रीयता और शांति का तो विरोधी है ही। तो अब इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखें मुख्य रूप से, और आगे क्वेश्चंस में इनका यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की विशेषता नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। यह एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास, ये जो है, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध यहाँ पे होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय का यहाँ पे विरोध है, तो ये आपका इस तरह से जब विरोध होगा तो ये सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, ये भी सही है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, अभी हमने मैंने डिस्कस किया कि व्यक्तिवाद में विश्वास ये बिल्कुल भी नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि सर्वाधिकारवादी राज्य में फांसीवाद ही विश्वास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो नहीं करता है, पूछ रहा है, समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन। तो आप लोग इसमें देखिए किसका नहीं करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा की तानाशाही, जैसे कि लोकतंत्र में होता है कि सर्वहारा वर्ग का शासन होता है, तो ये सर्वहारा की तानाशाही नहीं चाहता है। ठीक है, ये समाज की निगमवादी समझ की का समर्थन करता है। प्रजातीय उत्कृष्टता, इसे रेसिज्म कहते हैं, रेसिज्म का ये समर्थन करता है। ये आज्ञा पालन और अनुशासन का समर्थन करता है। ये कहता है कि जो पब्लिक है, जो सर्वहारा है, उसको आज्ञा पालन होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। ये महानता की बात करता है। ठीक है, तो ये इसमें सर्वहारा की तानाशाही, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महा महिमा मंडित करता है? तो इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन में है, तो इसमें हिंसा, हिंसा का तो करता ही, हम लोग पता है, युद्ध का भी करता है,
और नेता का भी करता है, केवल एक नेता की बात करता है, पर्सनालिटी कल्ट की बात करता है और व्यक्ति पूजा की बात करता है, नेता की पूजा। क्रांति का तो बिल्कुल विरोधी है, ये कहता है कि इसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है तो क्रांति को बिल्कुल दबा देता है, सप्रेस कर देता है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं है, तो राष्ट्र ही सब कुछ है, जो भी है राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, मानवता का कोई भी मतलब नहीं है। आपने पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा कि कैसे हिटलर और मुसोलिनी ने लोगों को बहुत ही बुरी तरह से उनका सर्वनाश कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद के फॉलिस शब्द का अर्थ है। तो फांसीवाद के फॉलिस शब्द का क्या अर्थ है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल, रोम के मुख्य चर्च की घंटी। साथियों ये कोई भी नहीं है, इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही है, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में। एक्चुअली जो ये फासीवाद है, ये फासिज्म अंग्रेजी के फासिज्म शब्द से बना है, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इटैलियन वर्ड फैसिको से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? डंडों का गट्ठर। डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़ी की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 19 के दौरान, यह जो दंड समूह है इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। और फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान शहर में हुई थी, और फिर से जो है साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन 1919 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का जन्म हुआ था। तो फांसीवाद का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में आपका मुसोलिनी था, मुसोलिनी के नेतृत्व में इसका हुआ था 1915 में इसकी स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछ लिया जाता है। अच्छा ये दो बार क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? तो इसमें है आपका फांसीवाद ने अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया था। 9 देखते हैं, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर, जर्मनी हिटलर। तो इसमें देखना है आपको फांसीवाद के संबंध में, देखिए एक चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसोलिनी जो था वो इटली से था और हिटलर जो था वो जर्मनी से था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इटली से मुसोलिनी और जर्मनी से हिटलर, ऐसे आपको लगेगा कि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ फांसीवाद शब्द की बात किया है, तो फांसीवाद शब्द जो है तो ये इटली मुसोलिनी ने फांसीवाद का प्रयोग किया था, और जो हिटलर का फांसीवाद था उसको नाजीवाद कहते हैं। तो अगर नाजीवाद होता तब तो हिटलर होता, ठीक है। तो इसमें चूंकि फांसीवाद के संबंध की बात की गई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर केवल संबंध की बात करता है कि कौन कहाँ से संबंधित है, तो ये आपको मालूम ही है कि इटली से जो है मुसोलिनी था और जर्मनी से हिटलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेता है, कभी फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ, या फिर पूछा था फांसीवाद किस देश में हुआ, तो ये आपको पता ही है दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं। बताइए आप लोग कौन सा ही है? इटली, हम लोगों ने भी पहले डिस्कस किया। तो जो इटली था, इटली में मुसोलिनी था और हिटलर जो था वो जर्मनी में था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फासिज्म जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था। तो किस चीज़ का परिणाम था? जो फांसीवाद आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा वर्ल्ड वार के बारे में, ठीक है, या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फांसीवाद था उसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
जो फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय था केवल सत्ता को अपने हाथ में लेना, किंतु प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप कैसा हो गया? अधिनायक तंत्रीय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही है? मुसोलिनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? मुसोलिनी ने कहा था। ये आपका यूपी जीआईसी में पूछा गया है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन यूपी पीजीटी में 2000 में, 2002 और 2004 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अब मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं, यह किसका कथन है? तो ये भी कथन किसका है? मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी और गांधी। तो ये मुसोलिनी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो हिटलर कहाँ से संबंधित है दोस्तों? जर्मनी से। और इसने किस तरह की लोकतंत्र तो किया नहीं था बिल्कुल, हालांकि ये लोकतंत्र की ही बदौलत आया था, कुलीन तंत्र भी नहीं, राजतंत्र भी नहीं, यहाँ पे इसने तानाशाही जो है, जिसे अधिनायक तंत्र भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। और इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर सांविधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, वही तानाशाही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना जाता है? नाजियों के द्वारा किस पुस्तक को बाइबिल माना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दास कैपिटल, वर एंड पीस, मीन कैंप और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, मीन कैंप। जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मीन कैंप, इसका अर्थ है कि मेरा संघर्ष को बाइबिल माना गया था। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने वर्ष 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेस ने ही किया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसमें ऑप्शन है मार्टिन हाइडेगर, जार्जेल, सोरेल, अल्फ्रेडो रोको और एडोल्फ जेलेन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, अल्फ्रेडो रोको। ये अल्फ्रेडो रोको ने जो है फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, क्योंकि समाजवाद के ही विरोध में आए थे और इसको राष्ट्रवादी बनाया इसने इसको, और पूरी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। रोको इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था, वह इटली में नए गठबंधन सरकार में न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। और ये जो परिभाषा है 1925 में चैम्बर ऑफ डुपुटीज के समक्ष भाषण देते हुए इसने कहा था कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो इसमें अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। तो अराजकतावादी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। जनतंत्रवादी भी नहीं होगा, जंगखोर नहीं होगा, इसमें ऑप्शन है अभिजात वर्ग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद ने राज्य को माना है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की
असामाध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, परिवार और गांव का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी। फासीवाद ने राज्य को क्या माना है? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है कि व्यक्तियों के ऊपर एक निरंकुश शक्ति होनी चाहिए। तो इसके अनुसार क्या है कि राज्य साध्य है और नागरिक क्या है? साधन है। ये राज्य को ही सब कुछ समझता है और राज्य के लिए व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है, यानी कि व्यक्ति का कोई अस्तित्व इसके आगे नहीं है। तो इसलिए इसने जो है राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज हमारे लिए अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही लोग दीजिए क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है। प्रजातंत्र का विरोधी राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का करतूत है, ये सब गलत है। कौन सा सही है? पहला है। विशेषता फांसीवाद में कौन सी है? ये प्रजातंत्र का प्रबल विरोधी है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद विश्वास करता है कि? फांसीवाद किस में विश्वास करता है? तो फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग है, राज्य और दल एक ही हैं। ये TGT 2001 में पूछा गया है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन ए सही है, राज्य दल से श्रेष्ठ है। जब भी दोस्तों फांसीवाद आ जाए तो समझ जाइए कि हमेशा राज्य को ही सब कुछ बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा आज इतना ही। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन जो फांसीवाद के हैं ये फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।